लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने यूपी को एक बार फिर हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। आजमगढ़ पहुंचे पीएम ने एक बार फिर डबल इंजन की सरकार से विकास का दावा किया। इसके साथ ही पीएम ने गाजीपुर से तड़ीघाट रेलवे की बड़ी लाइन का शुभारंभ किया और हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। आजमगढ़ से पीएम मोदी ने देश भर के करीब 15 नए एयरपोर्ट का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। कडप्पा, बेलगावी और हुबली, ये तीन हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल भवनों का शिलान्यास भी किया गया है। ये सारे प्रयास देश के सामान्य मानवी के लिए हवाई जहाज की यात्रा को और ज्यादा सहज और सुलभ बनाएंगे। पीएम ने इस दौरान इन विकास योजनाओं को चुनाव से ना जोड़ने की अपील भी की। आजमगढ़ में मंच से संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने पूर्वांचल में दशकों तक हुई जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति का भी जिक्र किया, साथ ही माफिया राज और कट्टर पंथ की भी बात की। पीएम ने कहा कि पहले की सरकारों ने जनता को धोखा दिया, लेकिन माफिया राज को खत्म करके बीजेपी की सरकार ने कानून का राज स्थापित किया। यहाँ के लोगों ने माफिया राज और कट्टर पंथ के खतरों को भी देखा है और यहाँ की जनता कानून का राज भी देख रही है। पीएम ने इस दौरान परिवारवाद के मुद्दे पर INDIA गठबंधन को भी घेरा। आजमगढ़ का ये विकास जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। पीएम ने पिछले 10 सालों में हुए देश के विकास का भी जिक्र किया। सबके साथ अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए, देखिए ये विकास का उत्सव है, ये है विकास का उत्सव, ये है विकसित भारत का संकल्प, ये है विकसित आजमगढ़ के विकास का संकल्प। वहीं पीएम ने फिर दोहराया कि 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल नहीं होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कल ब्रेक रहेगा। यात्रा 12 मार्च को दोपहर 2 बजे से फिर शुरू होगी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वो लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची पर मंथन कर सकते हैं। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस बिहार में हाजीपुर से चुनाव लड़ने पर अड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस ने यह दावा किया है कि वो हाजीपुर सीट नहीं छोड़ेंगे। LJP सीट बंटवारे से नाखुश नजर आ रही है। ED ने लालू यादव के करीबी और RJD नेता सुभाष यादव को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सुभाष यादव को अवैध रेत खनन के मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले ED ने उनके आवास समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। TMC के पूर्व नेता और संदेशकाली हिंसा के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को बशीर हाट कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने शाहजहां शेख को 4 दिन की CBI हिरासत में भेजा। राजस्थान में कांग्रेस नेताओं का बड़ा जत्था आज BJP में शामिल हो गया। जयपुर में 24 दिग्गज कांग्रेसी नेताओं को BJP की सदस्यता दिलाई गई। इसके लिए BJP कार्यालय के सामने बाकायदा एक विशेष कार्यक्रम रखा गया, जहां एक एक करके सभी कांग्रेसी नेता भगवा अंगवस्त्र पहनकर BJP के साथ जुड़ गए। BJP में आने वाले कांग्रेसी नेताओं में सबसे बड़ा नाम पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया का है, जो अशोक गहलोत के करीबी और उनकी सरकार में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। उनको मिलाकर 2 पूर्व मंत्री, 2 पूर्व विधायक, 1 पूर्व सांसद समेत कई बड़े पदों पर बैठे कांग्रेसी नेता BJP में आए। सभी ने एक साथ BJP जिंदाबाद के नारे लगाए। कि दिल्ली तक इसकी गूंज जाए कि मोदी जी आपके नेतृत्व को स्वीकार करते हुए हम सब आज भाजपा के साथ हैं। राजस्थान की 25 में से 15 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। माना जा रहा है कि कांग्रेस से BJP में आए इन नेताओं को बची हुई 10 में से कुछ सीटें दी जा सकती हैं। BJP ने राजस्थान में खेल किया तो कांग्रेस हरियाणा में सेंधमारी करने में कामयाब रही। हिसार से BJP सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने आज इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। सुबह 11:33 पर इस्तीफे की जानकारी देने के बाद वो फौरन मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे और 1 घंटे के अंदर ही कांग्रेस का दामन थाम लिया। मीडिया के सामने उन्होंने BJP छोड़ने की वजह भी बताई। विचार की जो बात है,
वहां पर मेरी सहमति बहुत सी चीजों पर नहीं थी, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, या जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय फीमेल रेसलर्स थी, चाहे उनका मुद्दा हो। ब्रजेंद्र सिंह के पिता भी 2014 तक कांग्रेस में ही थे, इसलिए उनके लिए कांग्रेस कोई नई पार्टी नहीं। बताया गया कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी और बीजेपी से गठबंधन होने के बाद से ही ब्रजेंद्र सिंह नाराज चल रहे थे। इस बार हिसार से उनका टिकट कटना भी तय माना जा रहा था। इन्हीं वजहों से उन्होंने बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जाना सही समझा। हरियाणा में उम्मीदवारों के ऐलान से पहले सांसद का पार्टी छोड़ना बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल फॉर्मूला तय होने से पहले ही विवाद बढ़ने की खबर है। मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से उम्मीदवार के नाम के ऐलान पर विवाद हो गया और कांग्रेस नेता संजय निरूपम ने इसे लेकर गहरी नाराजगी जताई। बताया जा रहा है कि शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे ने मुंबई के अंधेरी में उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से गजानन कीर्तिकार के बेटे अमोल कीर्तिकार के नाम की घोषणा कर दी, जिसके बाद संजय निरूपम ने इसे लेकर सोशल मीडिया में लिखा कि एमबीए दलों में अभी तक सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही शिवसेना ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर गठबंधन धर्म का उल्लंघन किया है। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। संजय निरूपम की इस नाराजगी पर शिवसेना की तरफ से भी जवाब दिया गया। जब उत्तर पश्चिम लोकसभा की सीट 2019 में हमने जीती है तो हमारा अधिकार है, हम चाहे आज कैंडिडेट उतार दें चाहे कल उतार दें, जब वो सीट हमारी है। हाँ, आपकी सीट होती और हम उतार देते तो यह गलत बात होती। बताया गया कि कांग्रेस की तरफ से संजय निरूपम इस सीट पर दावा कर रहे थे, लेकिन उद्धव के ऐलान के बाद वो नाराज हो गए।